हम आज बेटियों को मिल रहे थे, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बेटियों को आज पास मीटिंग, उनके वस्त्र, दामादों के वस्त्र, दामादों की सामग्री, और एक आश्चर्यचकित घटना भी आज हमने देखी। हमारा तो हृदय तब से बहुत ज़्यादा भावुक है। एक बेटी खाना नहीं खा रही थी, खैर ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि संख्या सीमित है, सामर्थ्यता हमारी ज़्यादा है नहीं, जितनी सामर्थ्यता हनुमान जी हमें दे हैं। अब हम कोई राजनेता तो है नहीं, हनुमान जी जितनी सामर्थ्यता हमें देते हैं, प्रयत्न है कि मानव सेवा हम करें। पर एक बेटी बेचारी रोने लगी, माता पिता उसके हैं नहीं, रोती हुई अचानक आ गई। तो हमने पूछा क्या बात है, तो बाद में पता चला कि जो है उसकी शादी तय हो गई और घर पे कुछ नहीं, तो वो उसकी बहन बेचारी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमसे रहा नहीं गया और उस बेटी को फिर हमने अंततो गत्वा यही किया कि 151 तो हो गए, अब भले ही बढ़ जाएंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे, इस बेटी का भी पूरी सामग्री सहित यहीं से मंडप से विवाह करवाया जाए। बेचारी बिटिया पिता रूप में मानती है, बोले आप हमारे पिताजी हो, कोई है नहीं, और 4 दिन से उसने भोजन नहीं किया था। बाकी ऐसा सब करना नहीं कोई, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन आगामी कन्या विवाह में हम जो है अब मोटरसाइकिल ना दे करके संख्या बढ़ाएंगे, तो ज्यादा लोगों को लाभ हो जाएगा, ज्यादा बेटियों का घर बस जाएगा। एक बिटिया तो और गजब की आई, स्वयं ही कार्ड लेने आई। तो हमने उसको पूछ लिया कि तुम बेटा स्वयं कार्ड क्यों लेने आई हो, तो उसने कहा कि माता पिता है नहीं है, हम अकेले खुद ही कर रहे हैं। तो हमने पूछा कोई नहीं तुम्हारा, तो उसने कहा कि भाई है पर वो मजदूरी पे गया, अगर वो मजदूरी पे नहीं जाता तो कल का भोजन नहीं होता। तो वो बिटिया भी जो है आई, उसको भी मिले, उसका भी फिर सामान दिया, और उस बिटिया के लिए उसका जो पिता जो जहाँ शादी हो रही थी उस परिवार को बुला के हमने कहा ऐसी बेटियों की जब विवाह होते हैं हृदय हमको ये लगता है कि हनुमान जी देखो करवा तो आप ही लोग रहे, हम तो निमित्त हैं, हम तो केवल बोलने वाले हैं, हनुमान जी महाराज करवा रहे, पर भगवान ऐसी अभी की घटना है, शायद वो इनके पास में कैमरा पे वो भी होगा, जहाँ तक हमें याद है वो बेटी का कैमरे पे है क्या जिसके माता पिता नहीं है, हाँ उसमें है उस बेटी का जो है। वो बेटी पहुंची थी, ठीक है हनुमान जी की इच्छा है, भगवान कृपा करें किसी को भी ऐसे दिन देखने को ना पड़े, क्योंकि तो जीवन बड़ा विचित्र होता है और इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता है, पर हनुमान जी महाराज एक कृपा करें इस कन्या विवाह महोत्सवों से पूरे भारत के मंदिरों में ऐसी क्रांति लावे कि भारत के हर मंदिर से गरीब बेटियों का विवाह होने लगे। और सरकार को भी हम कहेंगे, हम प्रायः सरकार के लिए कभी बोलते नहीं है, पर सरकार को भी कहेंगे कि मठ और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से हटा करके मठ और मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से गुरुकुलम विद्यालय और गरीब बेटियों के विवाह की योजना प्रारंभ करनी चाहिए। चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वो जो भी मंदिर हो, जितने भी भारत में मंदिर है, देखो मंदिरों में दक्षिणा